हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सीधे मौत की तरफ से। तो सीधे मौत से जो काम है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी, आप देख सकते हो, जिसमें कि प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा हुआ है बादल। और आपको पता ही होगा कि उनकी नायाब करके एल्बम वगैरह आ रही है, तो हो सकता है उसी का ट्रैक हो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है मुक्ता की तरफ से। तो आपको पता ही होगा कि मुक्ता की एल्बम आने वाली है, जिसकी उन्होंने ट्रैक लिस्ट भी जारी कर दी हुई है। तो उसी के बारे में उन्होंने एक पोल रखा हुआ था, आप देख सकते हो, जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था विच फर्स्ट, तो आप जाकर वोट कर सकते हो। अगली जो न्यूज है वो आ रही है बिग बर्ड की तरफ से। तो इन्होंने अपने नए सॉन्ग का पोस्टर रिलीज कर दिया, आप देख सकते हो, जो कि है ऑल एसेस करके। और इस सॉन्ग में रैप किया हुआ है ब्लोमो ने, जो कि हमको 7 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा। अगली जो न्यूज है वो आ रही है हेलेक की तरफ से। तो हेलेक ने रागा का जो सॉन्ग अभी आया हुआ था नशा करके, उसको शेयर किया हुआ था और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था फैक्ट। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी इंसान की तरफ से। तो एमसी इंसान ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी, आप देख सकते हो, जिसपे की लिखा हुआ है TET और जनवरी लिखा हुआ है। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो आपको पता ही होगा कि कृष्णा और करण ओजला का एक कोलैब सॉन्ग हमको जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। और जो करण ओजला है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली हुई थी, जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था अनाउंसिंग ऑल द टूर्स अराउंड द ग्लोब। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है एंड द न्यू, और म्यूजिक का स्टिकर लगाया हुआ था और लिखा हुआ था इन नेक्स्ट फ्यू डेज ऑफिशियल पोस्टर कमिंग सून। यहाँ पर हो सकता है कि कृष्णा के साथ कोलैब वाले सॉन्ग की बात कर रहे हो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया हुआ था कि एमसी स्टैन की जो एल्बम आने वाली है, उसका उन्होंने कवर आर्ट जारी कर दिया हुआ है। जिन्होंने इस कवर आर्ट को बनाया हुआ था, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ट्यूटोरियल वीडियो भी डाला हुआ है, तो उसका पार्ट टू उन्होंने डाला हुआ है, जिसमें कि उन्होंने क्या बताया हुआ है आप खुद देख सकते हो। यूज किया ताकि ऐसा लगे हेल में से कुछ हाथ आ रखे, मतलब जो कुछ लोगों को सजा मिल रही है ना, जैसे हेल में, तो ये उसी का सिंबल है। तो ऐसे तंदूरी से हैंड मैंने यूज करे हैं इस इमेज में, प्रॉपर हेल वाला फील देने के लिए। उसके बाद ये मैंने पिजन ऐड करे। आप जानते ही हैं पिजन किस चीज का सिंबल होते हैं, तो ये पीस का सिंबल है, ये पीस के लिए। और उसमें थोड़ा सा ग्लो ऐड किया, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, ताकि ऐसा लगे कि सीधा स्वर्ग से आ रहे हो। अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है योयानी सिंह की तरफ से। तो जो तसाता करके हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे क्यू एन रखा हुआ था, जिसमें कि किसी ने पूछा हुआ था फेवरेट इंडियन रैपर, तो इस पर उन्होंने लिखा हुआ है योयानी सिंह विदाउट अ डाउट। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।